अरे रे रे रे, कहां मर गया साला, 10:30 बज गए। अरे खड़े खड़े तो पांव उखड़ जा रहे। ये तो अच्छा है कि हम दारू की दुकान के सामने खड़ा, कहीं और होता तो अभी तक गिर पड़ता। अरे आओ आओ आओ, अब एक दो लेना बाप की हरामी होना। कहां कर रहा था वे? मैं सो रहा था। रात भर क्या कर रहा था? सिनेमा देख रहा था। कौन सा सिनेमा? वो अच्छा अच्छा अबे ओ बुझते हुए चिरा, अब तो तू सिर्फ देख ही सकता है। और इसी तरह अगर वो सिनेमा देखता रहा तो एक दिन धंधे का भी वो हो जाएगा। अरे के गौरी शंकर, 5 मिनट ही तो लेट आया। अरे उस आदमी का कुछ नहीं हो सकता जो 10:30 बजे तक भी काम पर नहीं आता है। अबे ओ कबूतर, चल जल्दी से दुकान खोल, चल। अबे ओ लटक पे झूमर, सटर उठा रहा है या अपनी लुगाई का घूंघट उठा रहा है? चल चल जल्दी कर। अरे उठा रहा हूँ यार, धीरज तो रख। चल 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 जल्दी कर, चल दे दे 51 रुपया। अबे ओ फुलतुरु, तू हमको दाम बताएगा क्या? और हम उस दिन से पी रहे हैं जब इसकी कीमत 5 रुपया 10 पैसा थी। चल दे ना, आज से उधार बंद। अबे ओ मुर्गी चोर, ये कौन सा नया ड्रामा बा है? ये पहली बार उधार ले रहा हूँ क्या? और देख, जब जब उधार लिया हूँ वापस क्या हूँ? देख भाई गौरी शंकर, पहले की बात और थी, इस बार रोहित ने साफ साफ मना किया तने उधार देने से। हाँ इलोंडर रोहित कौन बा हमको मना करने वाला? देख भाई गौरी शंकर, उधार बंद मतलब बंद, अब या तो पैसे दे नहीं तो रोहित को लेकर। हाँ बहुत गर्मी बा है, बहुत गर्मी। अबे साले सड़ी हुई भिंडी। ठीक है, हम पैसा लेकर आता हूँ, लेकिन तब तक इस दुकान से एक भी दारू की बोतल बिकनी नहीं चाहिए। यो क्या कर रहा तू? क्या कर रहा हूँ, हमारा बहुत इंसल्ट हुआ है, बहुत इंसल्ट हुआ है। अरे दुनिया में कोई भी सोमरस का भक्त इतनी श्रद्धा और भक्ति से यहाँ नहीं आता जिस श्रद्धा से मैं यहाँ आता हूँ। अगर हम सोमरस नहीं पान करेंगे तो कोई नहीं करेगा, समझ गया? अरे दरवाजा खोल। हम साले उस रोहित से निपट के आता हूँ। अरे मन्ने कहा? अरे हमारा नाम गौरी शंकर है, हम तो खड़े खड़े पैसा उगा सकता हूँ। अरे गौरी शंकर जी, आज आपने कैसे दर्शन दिए? आइए। नहीं नहीं, बाद में, पहले हमारा किराया दो। कौन सा किराया? कौन सा किराया? अरे खड़े रहने का, खाने का, पीने का, सोने का, धोने का, सभी का लाओ। इन सब चीजों का किराया तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। किसको? रोहित को। अरे अब तो हमको यकीन हो गया है, वो हमारी बीवी के गांव का ही नहीं उसके खानदान का है। हाँ अरे कोई है? जी फरमाइए। भाड़ा लाओ। जी ये रुपए पैसे का मामला तो मेरे घर का बुजुर्ग देखते हैं। अबे ओ चूसे हुए आम, तू क्या दूध पिता बच्चा है? कहने का मतलब है मेरे अब्बा हुजूर। ठीक है, अब्बा हुजूर को बुलाओ। जी इस वक्त वो अपने अब्बा हुजूर से मिलने गए। अबे तेरे खानदान में कोई मरता है या नहीं, या सभी ने अबे हयात पी रखी है? अरे जरा रुकिए तो। क्या है? मेरे अब्बा हुजूर कह के गए थे कि किराया तो उस लड़के को दे दिया, नाम था उसका, याद आया, रोहित। रोहित? उस साले रोहित के बच्चे को तो मेरे हाथों मरने से अबे हयात भी बचा नहीं सकती। ए मुन्ना, चाय पिला यार। थोड़ा टाइम लगेगा। कौन सोया यहाँ पे? उठाई से। उसने सारी रात गाना गाया है, मत जगा उसे यार। तो फिर तुझे चाय पीनी है? हाँ। चल उठा खटिया, जल्दी से रख, पान की दुकान पे रख, जल्दी। ए यहाँ कहाँ रख रहा है मेरी दुकान के सामने, धंधा खराब करेगा क्या? हटा यहाँ से। हाँ ठीक है यार, भड़क क्यों रहा है? कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह? चल यहाँ से, जा जा। निकल यहाँ से, निकल जल्दी। अरे अरे ये क्या कर रहे हो भाई? अरे गौरी शंकर जी, थोड़ी मदद कर देंगे? कर देंगे, लेकिन हमका 51 रुपया लगेगा। या अल्लाह, कयामत के दिन भी नजदीक है, मदद के भी दाम लोग पहले से तय करके घूमते हैं। अरे हाथ तो लगाओ, पैसे भी ले लेना। ला भैया, हमार 51 दे दे। ये का? इसमें एक बूंद खरीदूंगा का? अरे भाई बोनी तो होने दो,
बाकी भी दे दूंगा, तब तक इधर टोकन समझ के रख लो। अरे भाड़ में जाए तेरा टोकन, तेरी बहनी तक तो हम प्यासे मर जाएंगे, एक प्यासे की हाय लगेगी तुझे। अबे ओ गोश्त के लोथड़े, आज तो तेरी बहनी तक नहीं होगी। अरे ओ शब्बीर भाई, तुम्हारी दुकान का मटन खा खा कर हमारे पेट का सिस्टम खराब हो गया। अगर मैं चाहूँ तो अपने मोहल्ले वालों को कहकर तुम्हारी दुकान बंद करवा सकता हूँ। हाँ, देखा, हमने कहा था ना तेरी बहनी तक नहीं होगी। अब दुकान बंद कर, लालटन जला और कटे हुए बकरे की तरह मैं करते रहना। अबे तेरी तो भाई साहब, आप इसी एरिया के हैं? जी हाँ। यहाँ किसी सिंगर, मेरा मतलब किसी लड़के को जानते हैं जो बहुत अच्छा गाता है? जी नहीं, दिवाली की रात एक लड़का मस्ती में गा तो रहा था, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन कभी देखा नहीं। अरे इतना क्यों चिल्ला रहा है? लगा हाथ में और पैर कैसे टूट गया? अबे अंधे, तुझे मेरा पैर हाथ दिख रहा है? एक तो ठोकता है, ऊपर से चिल्लाता है, अब मेरा इलाज कौन करेगा? चल तू गरीब दिखता है, इसलिए गरीब इलाज करा लेता हूँ। 51 में मांडोली निकाल। मैं पैसे दूँ? अरे मेरा नुकसान हो गया, उल्टा तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। देखिए भाई साहब, मैं जरा जल्दी में हूँ, प्लीज तमाशा मत कीजिए आप यहाँ पर। आपको मेरा पैर तमाशा लग रहा है? देखिए प्लीज, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। अरे ढूंढ रही होगी, चलिए बताइए आप किसको ढूंढ रही है। कल रात को एक लड़का यहाँ गाना गा रहा था, आप जानते हैं उसे? अरे जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत अच्छा गाना गाता है, एक नंबर का हरामी कमीना। एक बार हाथ में आ गया ना तो सारे का टिटवा दो भरूंगा। देखिए अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, उसे गाली क्यों दे रहे हैं? कहूंगा साला कुत्ता, कमीना, हरामी, सुअर, जो चाहे कहूंगा। आपको क्या? चलिए अगर आपको बुरा लगता है ना तो नहीं कहूंगा। 51 में मंडोरी निकालिए। समझ गई, आपको कुछ नहीं मालूम। आपको मालूम होता ना तभी मैं आपको पैसे नहीं देती। कोई आत्मसम्मान, कोई इज्जत है कि नहीं आपके पास, कि शर्म के साथ वो भी बेच खाई आपने? अरे सलाम किस बात की मैडम, हम उसे इसी नाम से बुलाते हैं। अरे छोड़िए मैडम, ये सब इन लोगों के पैसे हटने के धंधे, चलिए आप। शक्ल से लगते तो आप बड़े शरीफ हैं, पर हरकतें बड़ी मवाली वाली आपकी, ब्लडी हेल। अरे मैडम, चलो भैया, हमने आपसे चरित्र सर्टिफिकेट नहीं मांगा, जाइए। चलिए भैया। अरे चलिए। हाँ आज हमारा टाइम बहुत खराब है। घर में देख के आ तो कौन है? अरे कहाँ जा रहा है, बैठ, बहुत खतरनाक एरिया है यहाँ, पुलिस भी कुछ नहीं करती किसी को। क्यों? क्यों? पुलिस के बीवी बच्चे नहीं होते? मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। देख ताजा ताजा खून टपक रहा है, लगता है किसी का खून करके सोया है। चल बैठ, चल। अब यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? लगता है ट्रैफिक जाम है। मैडम कोई बीच रास्ते में खटिया डालकर सो रहा है, और पास एक खून लगा चाकू भी है। ऊपर से ये मुसीबत। कोई बीच रास्ते में सो रहा है, आप लोग हटा नहीं सकते? देख रहे हैं गधों की तरह, इडियट्स। रास्कल। ओए, हाँ? उसे छेड़ा क्या? नहीं तो फिर गालियां क्यों दे रही है? पता नहीं। अरे ये कहां से आया? दारू पी के सोए थे क्या? यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों है? आप बीच रास्ते में सोए थे। मुझे यहाँ लाया कौन? मुझे क्या पता। आपको पता है कौन है? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। चलिए। ओए रोहित, तुझे गौरी शंकर जी ढूंढ रहे हैं। ले पकड़। मुझे ही थमा के जाता है, क्या मुसीबत है यार मेरे लिए। तुम लोगों को पीना किसने सिखाया? आपने। तुम लोगों को पीकर जीना किसने सिखाया? आपने। जब से ये दुकान खुली है उसका पहला ग्राहक कौन है? आपने। हाँ, जब तक मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा ये शटर नहीं खुलेगा। खुल गया। अरे तू भी पीने लग गया क्या? और क्या है? अरे भैया, पीना है तो खोलना भी सीखो। ये इंडियन बॉटल है, नीचे से मारना पड़ता है, ऊपर से ठोकना पड़ता है, तब जाके ये। ए?
चलिए आपके लिए। पकड़, आजा। अब जाके जान में जान आई। हाँ अरे यार, हद करते हो, सुबह होते ही टूट पड़ते हो और उसके लिए सबसे भीख मांगते हो। कोई आत्मसम्मान है कि नहीं? कहा है कि नहीं आत्मसम्मान? आत्मसम ये बात कहीं हमने सुनी है? नहीं नहीं, मत सोचो इतना, आपके पास नहीं है। अरे याद आया, ये तो वो लड़के ने कहा था। ए बबुआ, आज तुमको एक लड़की ढूंढ रही थी, खूबसूरत सी। मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अरे कोई काम होगा, लेकिन थी तेरे टाइप की एकदम। मेरे टाइप की क्या मतलब? अरे वही इज्जत विज्जत, दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती। हमने कहा भैया हमको 51 रुपया दे दो, हम तुमको एड्रेस बता देता हूँ। उससे भी मांग लिए? अरे यार हद करते हो। अच्छा कब मिली थी? ये आधा घंटा पहले। अरे कहाँ जा रहा है? अरे घर जा रहा हूँ, और कहाँ, अब तक तो पहुँच भी गई होगी। अरे कैसे पहुँचेगी, हम उसको थोड़ी एड्रेस बताया हूँ। क्यों क्यों? अरे हमको 51 रुपया देती तब ना बताता। अरे यार हद करते हो, पता नहीं कौन हो, कहाँ से आई हो, हो सकता किसी म्यूजिक कंपनी की हो, पूरे करियर का सवाल है। अब कहाँ ढूंढूं उसे यार, पता नहीं कहाँ गई होगी। हट। ए बबुआ, अब पता चला कि 51 रुपया का अहमियत का है। बहुत बोला था साला।